हेलो बच्चों, आज आप सबका एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रुपए की आत्मकथा। जैसा कि स्क्रीन पे देखा है, आप सबने देखा होगा सिक्के को, है ना। ये सिक्का बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना हम न कुछ कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रुपए की आत्मकथा, कक्षा चौथी का ये पाठ 13 है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को चॉकलेट पसंद है, मिठाइयाँ भी पसंद होंगी और आपको झूला झूलना भी पसंद होगा या खिलौने से खेलना भी बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो क्या है, रुपया। रुपये के बिना हम इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। रुपया चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। तो चलिए आज हम रुपये की आत्मकथा को पढ़ते हैं। रुपया कहता है कि मैं रुपया हूँ, मैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। मेरी गुणवत्ता से सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। मेरे बिना कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। मेरे बिना कोई भी साधारण या असाधारण वस्तु को हम नहीं खरीद सकते। दुनिया में सभी मनुष्य पैसे के लिए काम करते हैं। इसको पाने के लिए लोग बेईमानी, अपराध, यहाँ तक कि धोखाधड़ी भी करते हैं। अपने मित्र परिजनों को रुपये के लिए भूल भी जाते हैं। मेरा जन्म मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ हुआ था। पहले वस्तु का आदान प्रदान वस्तुओं के लिए होता था। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर किसी को कोई चीज़ लेना या देना हो तो वस्तु के बदले वस्तु लोग लेते थे और लेन देन करते थे। किंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल वस्तुओं का आदान प्रदान मेरे लिए होता है। मेरा निर्माण कभी चांदी से, कभी सोने से, कभी तांबे से, तो कभी कांसे से होता है। किंतु आधुनिक समय में मेरा विकास कागज़ के रूप में भी हो गया है। मुझे बहुत से लोगों के पास यात्रा करनी पड़ती है। जब मैं टकसाल से निकलता हूँ तो बहुत सुरक्षित होता हूँ। इसके बाद बैंकों में भेजा जाता हूँ और फिर कहीं जाकर मैं आम जनता के पास पहुंचता हूं। मुझे व्यापारी ले जाते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं और मुझे कर्मचारी भी ले जाते हैं और सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और समय समय पर खर्च करते हैं। और तो और छोटे बच्चे हों या बड़े, जब मुझे नाजुक हाथों से उठाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ गरीब व्यक्ति मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर मुझे ज़मीन में भी गाड़ दिया करते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। मुझे राजा व रंक दोनों पाना चाहते हैं। आइए हम इस पाठ को अब पढ़ते हैं। रुपए की आत्मकथा पाठ 13। पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चल सकता। पुस्तक खरीदनी हो या सब्जी या फिर खिलौना, मेरे बिना नहीं खरीद सकते।
शाला शुल्क जमा करना हो, शाला शुल्क का अर्थ होता है फीस जमा करना, फीस जमा करना हो या रेल या बस का टिकट लेना हो, हर जगह मेरी ज़रूरत होती है। जीवन में हम कोई भी चीज़ बिना पैसे के नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी चीज़ों का लेन देन करना है तो सबसे अति आवश्यक क्या चीज़ होगी, वो होगी रुपया। इसलिए पहचान गए ना मुझे, ये कौन कह रहा है, रुपया, रुपया आप बात कर रहा है कि मेरे बिना कोई भी चीज़ों का लेन देन नहीं हो सकता, मेरे बिना तुम किसी भी चीज़ को नहीं खरीद सकते, मैं रुपया हूँ, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा अस्तित्व पुराने समय से है, वैदिक युग में मुझे रुपयक्कम कहा जाता था। वैदिक युग में इसको क्या रुपयक्कम के नाम से जाना जाता था। रुपयक्कम का अर्थ क्या होता है, चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को रुपयक्कम कहा जाता है। उस समय अन्य धातु के सिक्कों को भी रुपयक्कम ही कहा जाता था। रुपयक्कम इस कारण बाद में मेरा नाम रुपया हो गया, बाद में धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया, रुपया। हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी मेरा इससे मिलता जुलता ही नाम है, जैसा मराठी में रुपया, गुजराती में रुपियो, कन्नड़ में रुपाई, मलयालम में रूपा, ये अलग अलग भाषाओं में इसका नाम, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान जैसे पास के देशों में भी मेरा नाम रुपया ही है। मालदीव में मुझे रुफिया कहते हैं। शेर शाह सूरी, जिनका राज्यकाल कब तक था, 1540 से 1545, ने अपने शासनकाल में पहली बार रुपया शब्द का प्रयोग किया। इस समय चांदी के सिक्के को ही रुपया कहते थे, इनके शासनकाल में चांदी के सिक्के को ही रुपया कहा जाता था। दूसरी धातुओं के सिक्कों के नाम अलग अलग थे। दूसरे धातु के सिक्के कैसे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, है ना, धातुओं के सिक्कों के नाम अलग अलग थे। तांबे का सिक्का दाम और सोने का सिक्का मोहर कहलाता था। उस समय तांबे के सिक्के को क्या पुकारा जाता था, दाम, और सोने के सिक्के को मोहर कहते थे। मुगलों के शासनकाल में तीनों तरह के सिक्के रुपया कहलाने लगे। मुगल शासनकाल में क्या हुआ कि तीनों तरह के सिक्कों को एक ही नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका नाम था रुपया। देश स्वतंत्र होने के पहले में आने पैसे और पाई में बटा हुआ था। पुराने समय में क्या, देश स्वतंत्र होने के पहले में आने पैसे और पाई में बटा हुआ था। 16 आने का एक रुपया माना जाता था। सन 1957 में मुझे दशमलव प्रणाली में बदलकर 100 पैसों में बांट दिया गया। जब दशमलव प्रणाली पद्धति शुरू हुई, जब पैसों को 100 पैसों में बांट दिया गया। शुरू में यह 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के भी होते थे, जो कि अब बंद हो गए हैं। अब ये मुझे कागज़ पर सबसे पहले आज से लगभग 325 साल पहले देश की बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसी कुछ बैंकों द्वारा छापा गया। अभी तक मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय पहचान का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। सन 2010 में यह चिन्ह भी अब मुझे मिल गया है। अब मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। ठीक है बच्चों।